0. आप सब सोच रहे होंगे कि यमलोक का राजा यम यहाँ क्या कर रहा है। घबराइए मत, डेड डिलीवरी लेने नहीं आया हूँ, बल्कि मैं आपको बधाई देने आया हूँ और आपके काम में हाथ बटाने आया हूँ। आज धरती वासियों के लिए जान धान योजना लेकर आया हूँ। हमारे पुलिस डिपार्टमेंट, आरटीओ, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट, सरकार, सभी मिलकर ग्लोबल सेफ्टी वीक मना रहे हैं। हम जानते हैं ट्रैफिक मैनेजमेंट वाले कड़ी धूप में कितनी मेहनत करते हैं। आप सभी बधाई और तालियों के हकदार हैं। अब मैं अपने आने की असल वजह बताता हूँ। क्या है ना, जब से कलयुग शुरू हुआ है तब से डेथ रेट इतना बढ़ गया है कि पूरा का पूरा यम लोग डबल शिफ्ट में काम कर रहा है। इसीलिए मैंने सोचा अगर आपका हाथ बटाने से डेथ रेट कम हो जाता है तो मैं भी अपनी फैमिली के साथ कुल्लू मनाली घूमने जा सकता हूँ। अब मैं खास जिसके लिए आया हूँ, जरा उसकी भी तो खबर लू। Nice to see you everybody. And Mr. Mashur Gulati, IPL. Oye, ye IPL kya hota hai? Arre aise maar ke kaun poochta hai be? IPL ka matlab itne pyare log, let's clap for everybody. Hey Gulati, kya hua re? Itna kahe khush ho rakhe ho? Subah subah sapne mein hamra mukhda dekh liyo ka? Well, you know Chandu, I have brought new high speed swift car. Zoom. Yes, it goes swift. Yeah. Car kharide? Tum khud itna bekar laaye kahan se car? You shut up Chandu. Aaj to zero down payment pe easily sab kuch mil jata hai. Just celebrate the moment my friend. Acha, to celebrate karna hai. To ye lo ekdam kadak स्पेशल वाली चाय। अरे सेलिब्रेशन में चाय कौन पीता है रे इडियट, लेट्स हैव सम रॉकिंग सेलिब्रेशन। ये पीले पीले ओ मोर राजा, पीले पीले ओ मोर जानी, यार की है यारी निभानी। पीले पीले ओ मोर राजा, पीले पीले ओ मोर जानी। ए बबुआ, पता नहीं शराब होता है खराब। कमान चंदू, आज तुझे मैं हवा से बातें कराऊंगा, हवा से। अरे कौन गधा पी के गाड़ी चलाता है बताइए? ड्रिंक एंड ड्राइव कानून का उल्लंघन है भाई। यू आर राइट पंडित जी, पीकर गाड़ी चलाना गधों का काम नहीं है। इट्स नॉट कप ऑफ देयर, इट्स नॉट कप ऑफ टी, इट्स नॉट। अरे यार, ये जब पी के चला तो मेरा इंग्लिश खराब हो जाता है। इट्स नॉट देयर कप ऑफ टी माय डियर फ्रेंड, ये शेरों का काम है, शेरों का। हु आर यू मिस्टर, यू काला जामुन, आपका तारीफ क्या है? ये कोई तारीफ करने का समय है? हम है यम, यम है हम। M? Oh, so nice to meet you Mr. M, I am Mr. W. तू W है इसीलिए तुझे सीधा करने आया हूँ। But what's the proof? आप यम है? मेरी मूछ नहीं देखी तुमने? Well, that's not logic Mr. M, अगर ऐसा होता तो सारे मर्द यमराज होते, यमराज। By the way, I would like to ask you one question, that where is your bhesa if you are Yamraj? वो अपनी फैमिली के साथ समर वैकेशन पे गया है। मैं तेरी जान बचाने आया हूँ और तू क्या इधर मेरा इंटरव्यू ले रहा है? आपने हमें मरने से बचाया? और नहीं तो क्या, देखो
तुम्हारी कार और तुम्हारा दोस्त कहाँ है? चंदू, चंदू, आप सच में ही हमें मेरे दोस्त को बचा लो, मेरे दोस्त को बचा लो। बेचारे का तो अभी तक चाय का धंधा भी सेट नहीं हुआ। प्लीज सेव माय फ्रेंड। इस बार तो मैंने तुमको बचा लिया, लेकिन आइंदा शराब पीकर गाड़ी चलाई तो छोड़ूंगा नहीं, सीधा वाईफाई से डाउनलोड कर लूंगा। शराब की होगी अगर जरा से भी मात्रा, पूरी न होगी जीवन की यात्रा। ऐ बड़बा, आज का हुआ रे? आज का है फटफटिया पे गाना गा रहा है इतना, आज भी रॉकिंग वाला पार्टी करेगा क्या? वेल माय फ्रेंड, मैंने यम से वादा किया था कि आई विल नॉट ड्रिंक एंड ड्राइव, ड्राइव ड्राइव नो ड्राइव, ड्रिंक एंड ड्राइव। आओ आज तुम्हें मैं तारों की सैर कराता हूँ, तारों से ऊपर। धत, पिछली बार हवा से बात कराने ले गया था, शेर कहीं का हट, शेर कहे का पूरा ढेर हो गया, कोई सैर वायर नहीं करना तेरे साथ बुढ़बा। अरे चुपचाप चलो। हेलो मम्मा, मम्मा, यू शुड बी प्राउड ऑफ मी, आई हैव टेकन द न्यू बाइक, कांग्रेचुलेट मी। तोहरी अम्मा को गुजरे 10 साल हो गए ना, किससे बतिया रहा है भाई? अरे टुडे बट आई एम बिट इमोशनल यू नो, क्योंकि भले मेरी मम्मी ऊपर चली गई हो लेकिन मेरी भावनाएं उधर तक नहीं पहुंच सकती, तो मैंने सोचा कि मोबाइल यूज कर लूं। अरे इमोशन का नाती, तोहरे इमोशन का चक्कर में हमरा मोशन बंद हो जाएगा रे। एक तो हेलमेटवा नहीं पहने हो, ऊपर से ये झुंझुना से मरी हुई अम्मा से बतिया रहा है। अरे दादा, अब हम समझे, तभी तू हमका कह रहा था तारों का सही कराता है, रोक रोक गाड़ी बुड़बक कहीं का। अरे पागल, अरे पागल क्या कर रहा है, ठोक देगा रे, हिकंगा मैया बचाओ, अरे ठोक देगा रे, अरे रोका गड़िया रोका हो। सारे पुर्जे ठीक पड़े। अरे यमराज सर आप वापिस आ गए, लगता है मम्मी के पास जाने के लिए बड़ा बेचैन है। सर आई हैव क्विट ड्रिंकिंग, आई एम ए वेरी क्लीन पर्सन नाउ। अच्छा तो अब तुझे व्हाट्सएप करके समझाओ कि मोटरसाइकिल पे हेलमेट पहनना जरूरी है और कोई भी गाड़ी चलाते फोन पर बात नहीं करनी है। बट सर लोकली तो ड्राइव कर रहा था तो हेलमेट की क्या जरूरत है? बेटा मौत तो कभी घर पर घंटी बजा कर नहीं आती, वो तो बस आ जाती है। तुझे अपनी जान प्यारी नहीं लेकिन अपने दोस्त की तो सोच, अगर तेरी इस आदत से तेरा दोस्त मर जाए, सड़क पर चलता कोई और मर जाए या कोई जख्मी हो जाए, उसका परिवार अनाथ हो जाए, तो ये पाप की घटरी का तू जीवन भर सिर पर लेकर घूमेगा। अब तो खोल अपनी आंखें। अच्छा ऐसे तो आपने फिर से बचा लिया मुझे। वेल ओके सर, अभी हेलमेट भी नहीं, नहीं हेलमेट पहनूंगा, मोबाइल यूज नहीं करूंगा। ओके थैंक यू सर। मैं हूँ जेंटलमैन, चंदू देख आई फॉलो द ऑल रूल्स, नो ड्रिंक एंड ड्राइव, नो फोन कॉल ऑन द ड्राइव। अब देख सीट बेल्ट भी पहन रखा है मैंने, अब मेरे साथ सड़क पे चलेगा ना? हाँ अब हम ठीक रहा। चंदू व्हाट द टाइम, कितने बजे? 5 बजा है। ओह नो, 5 बजे तो मुझे पहुंचना था, आई एम लेट। लगता है मुझे गाड़ी भगानी पड़ेगी, चलो मैं भगाता हूँ। किधर किधर? वेल मुझे जल्दी जाना था। यमराज साहब आप क्या कर रहे हो? तो इतना स्पीड में क्यों चला रहा है, लिमिट में चला। कार की लिमिट 180 की है लेकिन मैं 140 से चला रहा हूँ ना। मेरा स्पीड इससे भी तेज है, तुझे 280 की स्पीड से ले चलूं? 280 का स्पीड? हाँ लेके चलो लेके चलो, लेकिन हम लोग यस यस यस, नो 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 सर, वो तो मैं जोक कर रहा था, आप सीरियस हो गए, आप तो सीरियस हो गए। मेरे भाई यही सीरियस होने का समय है, अब आदत नहीं बदली तो बाद में सिर्फ पछताना पड़ेगा। अगर तुम वाकई में सीरियस हो तो चलो करो प्रतिज्ञा कि यातायात और सड़क के नियम का पालन करोगे। वेल सर आई विल डू इट,
सिर्फ मैं ही नहीं लेकिन हमारे सारे मोहल्ले वाले ये प्रतिज्ञा करेंगे। लेडीज एंड जेंटलमैन, मे आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज स्टैंड अप फॉर द प्लेज। मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि अपनी सुरक्षा के लिए मैं हेलमेट अवश्य पहनूंगा, मैं सीट बेल्ट पहनकर अपने अमूल्य जीवन की रक्षा करूंगा, मैं गाड़ी को नियंत्रित गति से चलाऊंगा, जीवन को सम्मान देते हुए मैं यातायात नियमों का पालन करूंगा। दोस्तों, माय फ्रेंड्स, आपने अभी जो नाटक देखा उसमें मुझे तीन चांस मिले, लेकिन एक्चुअली लाइफ में देखा जाए तो एक सेकंड का भी चांस नहीं मिलता है। हमारी सीमा पर जो जवान होते हैं ना, वो नियमों पे चलते हैं, इसलिए हम सुरक्षित हैं। और हम सीमा के अंदर के सिपाही हैं, इसलिए हमारी विनंती है कि आप नियमों का सम्मान करें, पालन करें और सुरक्षित देश के सिपाही बने। ओके, तो मैं अभी आप सभी से अलविदा लेता हूँ। तो थैंक यू, बाय बाय मिस्टर मशहूर गुलाटी MBH। ओए, ये MBH क्या है अभी? MBH मतलब मेरा भारत बाहर। हाँ हाँ, वो तो है। जय हिंद, वंदे मातरम। तो अभी सब साथ में मिलकर बोलेंगे जय हिंद, वंदे मातरम। ब्रह्मा कुमारीज ट्रांसपोर्ट एंड ट्रैवल विंग प्रेजेंट्स सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा। Wear your helmet. Tighten your seat belt. Keep your phone down. Stay focused. Respect traffic signals. Safety begins with you. Om Shanti and a very warm welcome to today's event. Om Shanti Swastai. Om Shanti. आज का जो हमारा ऑनलाइन इवेंट है, ये खास रोड सेफ्टी की अवेयरनेस फैलाने के लिए है, क्योंकि हर रोज़ कितने लोग रोड एक्सीडेंट में या तो अपना शरीर खो देते हैं या सीरियसली इंजर्ड हो जाते हैं। इनफैक्ट स्टैटिस्टिक्स के अकॉर्डिंग हर 24 सेकंड्स में कोई ना कोई रोड एक्सीडेंट में अपना शरीर छोड़ रहा है, और इसलिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट और ग्लोबल इशू है। इसलिए कहते भी हैं, एक्सीडेंट्स डोंट हैपन, दे आर कॉज्ड। अगर हम थोड़े से केयरफुल होंगे, थोड़े अलर्ट होंगे, थोड़े अवेयर होंगे, तो हम इन एक्सीडेंट्स को प्रिवेंट कर सकते हैं। जी श्रद्धा। इसलिए हर साल गवर्नमेंट नेशनल रोड सेफ्टी वीक ऑर्गेनाइज करती है, जिसके अंतर्गत आज का इवेंट है, जिसकी थीम ही है सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा। कि अगर हम सड़क पर नियमों का पालन करते हैं तो हम एक सेफ रोड एनवायरनमेंट क्रिएट कर सकते हैं। जी श्रद्धा। और इसमें सबसे ज़्यादा प्रभावित होने वाले जो लोग हैं वो है हमारा युवा वर्ग। एक तरह से देखें तो भारत की 64% पॉपुलेशन वो वर्किंग एज ग्रुप में है। मीन्स हमारे पास विश्व का सबसे अधिक युवा धन है, और हम सब जानते हैं कि जहाँ युवा है वहाँ पर इनोवेटिवनेस है, वहाँ पर स्किल्स है, प्रोग्रेस है। तो इस युवा शक्ति पर तो हमें गर्व होना चाहिए। लेकिन जिस विषय को लेकर के आज हम डिस्कशन करने जा रहे हैं, रोड सेफ्टी, इससे रिलेटेड जो पास्ट फ्यू ईयर्स में रिसर्च हुए हैं उससे पता चलता है कि भारतवर्ष में होने वाले रोड एक्सीडेंट्स उसके लिए सबसे अधिक जिम्मेवार भी यही युवा ग्रुप है। और इसीलिए इस इश्यू को बहुत ही सेंसिटिव तरीके से केयरफुली हैंडल करना चाहिए। और WHO ने तो ये भी बताया है कि इस रोड एक्सीडेंट्स के जो मेजर कॉजेज हैं वो एक है ओवर स्पीडिंग, और दूसरा है अल्कोहल के इन्फ्लुएंस में गाड़ी चलाना। एंड सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम इस इश्यूज़ को डील करें, और इनके ऊपर और प्रकाश डालने के लिए, इन पर इंसाइट्स और एक्सपीरियंसेस शेयर करने के लिए आज हमारे साथ बहुत सारे एमिनेंट गेस्ट हैं, जिनको हम अभी सुनेंगे। सिस्टर शिवानी, राजयोगा प्रैक्टिशनर एंड इंटरनेशनल स्पीकर। अविनाश ढाकने, ट्रांसपोर्ट कमिश्नर महाराष्ट्र। स्वामी भाई, राजयोग प्रैक्टिशनर एंड मोटिवेशनल स्पीकर। निर्मला दीदी, चेयरपर्सन ट्रांसपोर्ट एंड ट्रैवल विंग and director of academy gyan sarovar mount abu। om shanti। जीवन की यात्रा या सड़क पर यात्रा, दोनों में मन की स्थिति का बहुत महत्व है। अगर हमारा मन शांत रहता है, कम सोचता है और सही सोचता है,
तो हम जीवन में भी हर कर्म ध्यान से करते हैं, एक्यूरेट करते हैं और सबके कल्याण के लिए करते हैं। और इसी तरह सड़क पर भी हम ध्यान से अपना वाहन चलाते हैं, एक्यूरेट चलाते हैं और सबका ध्यान रखते हुए चलाते हैं। अगर हम जीवन में लोगों को स्वीकार करते हैं तो उसी तरह जब हम सड़क पर होते हैं तो दूसरों को अलग अलग तरह से अपनी अपनी गाड़ी या स्कूटर चलाते हुए देखकर हमारा मन विचलित नहीं होता, अंदर उनकी निंदा नहीं करता कि ये ऐसे क्यों कर रहे हैं, ऐसे तो नहीं चलाना चाहिए था, ऐसे तो नहीं करना चाहिए था। हमारा मन स्वीकार करता है कि अलग अलग लोग अलग अलग तरह ही चलेंगे और चलाएंगे। उनको देखते हुए हम अपने मन की स्थिति को परेशान होने नहीं देते, हम संयम में रहते हैं। क्योंकि जब हमारा मन संयम में रहता है, शांत रहता है, तो हम भी सुरक्षित हैं और जब हम सुरक्षित हैं तो हमारे आसपास सारे सुरक्षित हैं। जब जीवन की यात्रा में हम नियमों का पालन करते हैं, चाहे कुछ भी हो जाए, हम अपने कर्म में कोई गफलत नहीं करते हैं, श्रेष्ठ एथिकल कर्म करते हैं, तो उसी तरह सड़क पर भी जब हम यात्रा में हैं तो हम नियमों का पालन करते हैं। स्व अनुशासन हमारा जीवन जीने का तरीका होता है। तो चाहे कोई हमें देख रहा हो, कोई न देख रहा हो, चाहे रात का समय हो, सुबह 4-5 बजे का समय हो, कोई भी न हो, लेकिन तो भी हम यात्रा के नियमों का पालन करते हैं। हम नियमों का पालन इसलिए करते हैं क्योंकि वो हमारा संस्कार है, वो हमारा व्यक्तित्व है। इसलिए नहीं कि कोई देख रहा है या मुझे फाइन लग जाएगा, इसलिए नहीं करते। वो हमारा पर्सनालिटी, हमारा संस्कार होता है। तो जीवन की यात्रा और सड़क पर यात्रा दोनों पर ध्यान तो यही रखना है। क्योंकि जब मन परेशान होता है, गुस्से में होता है, किसी बात से उदास होता है, निराश होता है, तो सड़क पर हमारा ध्यान, हमारा मन भटक जाता है और छोटी सी गलती एक बहुत बड़ा दुर्घटना का कारण बन जाती है। इसीलिए तो हर जगह लिखा होता है, सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी। वो सावधानी कहाँ हटी? यहाँ हटी। मन चाहे एक सेकंड के लिए कहीं और चला गया, तो बहुत बहुत ध्यान रखना है, एकाग्र स्थिति। सारा दिन में जब रहेगी तो अपने वाहन चलाते हुए भी वो ही स्थिति रहेगी। नियमों का पालन अपना व्यक्तित्व बना ले, किसी और के लिए नहीं, अपनी और औरों की सुरक्षा के लिए बना ले। जैसे हम कोई भी इम्पोर्टेंट काम करने से पहले परमात्मा को याद करते हैं और काम पूरा होने के बाद हम परमात्मा का शुक्रिया करते हैं, इसी तरह एक छोटा सा नियम बना ले। ये नियम भी नहीं, हमारी रक्षा ही है कि जब आप अपनी गाड़ी या स्कूटर में बैठते हैं और आप अपनी यात्रा शुरू करने लगे हैं, 10 सेकंड के लिए रुकिए, पहले परमात्मा को याद करते हैं। हम सड़क पर जा रहे हैं जहां हमारा जीवन और सबका जीवन सुरक्षित रहना चाहिए। 10 सेकंड रुकिए, परमात्मा को याद कीजिए और एक संकल्प कीजिए कि परमात्मा की शक्तियां और दुआएं मेरे चारों तरफ एक सुरक्षा कवच है। परमात्मा की शक्तियां और दुआएं आपकी गाड़ी या स्कूटर के चारों तरफ एक सुरक्षा कवच है। इसको विजुअलाइज कीजिए कि परमात्मा की डिवाइन लाइट आपकी गाड़ी या स्कूटर की तरफ एक सर्कल ऑफ प्रोटेक्शन है। फिर जब आप चलेंगे सड़क पर, वो सर्कल ऑफ प्रोटेक्शन आपके चारों तरफ है, ना आपको ना गाड़ी को खरोंच आ सकती है, और सबसे इम्पोर्टेंट, ना आपके कारण किसी और को खरोंच आ सकती है। क्योंकि अपनी अपनी यात्रा शुरू की है एक श्रेष्ठ संकल्प के साथ कि परमात्मा की शक्तियां मुझे और मेरे चारों तरफ सबको हमेशा सुरक्षित रखती है। और जब यात्रा पूरी हो जाए तो ऐसे ही नहीं कि गाड़ी से उतर के अंदर भाग गए, 1 सेकंड रुकिए, परमात्मा को शुक्रिया कीजिए कि मेरी ये यात्रा निर्विघ्न रही, आपका कोटि कोटि धन्यवाद। अपने वाहन का भी शुक्रिया कीजिए क्योंकि उसके सहयोग के बिना आप इस यात्रा को निर्विघ्न कैसे रख सकते थे।
बस उसको याद करते रहिए, मन को एकाग्र रखिए, नियमों का पालन कीजिए और फिर उसको शुक्रिया कीजिए, तो हमेशा ही जीवन की यात्रा भी और सड़क पर यात्रा निर्विघ्न रहेगी, सुरक्षित रहेगी, एक बहुत सुंदर अनुभव रहेगी आपके लिए भी और आपके आसपास जो है सब उनके लिए भी। ओम शांति। ओम शांति। भारतवर्ष में हर साल करीबन 1.5 लाख लोग रोड एक्सीडेंट में अपना जीवन खो देते हैं। महाराष्ट्र में करीबन 13,000 लोग अपना जीवन खो देते हैं। इससे कई गुना ज़्यादा लोग अपाहिज हो जाते हैं। ऐसा होने के बावजूद भी लोगों को आज भी डिसिप्लिन जो है वो सिखाना पड़ रहा है, ये बहुत अच्छी बात नहीं है। मैंने खुद अपने जीवन में 3 रोड एक्सीडेंट का खुद अनुभव किया है। उसमें से एक ऐसे कि मेरा ड्राइवर अकेला गाड़ी चला रहा था, जिसमें दिया था, गाड़ी पे अंबर लाइट था और मैं दूसरे गाड़ी में आगे बैठा हुआ था। ये गाड़ी में दिया होने के कारण वो ओवरटेक करने के लिए कभी डरता नहीं था। मैंने उसको बहुत बार समझाया था कि भैया इस ढंग से ओवरटेक मत किया करो, नहीं तो मैं तुम्हारी गाड़ी से उतर जाऊँगा। और जब मैं गाड़ी में नहीं था इसलिए वो कुड भी कि उसने ओवरटेक किया होगा और वो गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ। वो एक्सीडेंट हुआ था नासिक और मालेगांव के बीच में और मेरा ड्राइवर उसमें बेचारा अपना जीवन खो बैठा। वो एक एक्सीडेंट बहुत ही दुखद कहानी मेरे ज़िंदगी में मैंने देखी हुई कि, और मुझे बहुत बार याद आता है कि शायद मैं उस गाड़ी में उस दिन बैठा होता तो क्या होता। इधर एक्सीडेंट नहीं होता या होता तो मैं मर जाता या कुछ हाथ पैर मेरा टूट जाता। तो वो एक अनुभव है। मुझे जानकर खुशी हो रही है कि आज ब्रह्म कुमारी जैसी संस्था रोड सेफ्टी अवेयरनेस के लिए अच्छा काम कर रही है पिछले कई सालों से और उसके कुछ अच्छे रिजल्ट्स भी हमें देखने मिले हैं। अभी जो ऑनलाइन कोर्सेस रोड सेफ्टी के बारे में होने जा रहे हैं तो उसमें से ज़्यादा लोग लोगों का मन परिवर्तन हो जाए, ऐसी मैं इच्छा और कामना करता हूँ। हम सब लोग मिलकर अगर अपना स्वयं शिस्त रखेंगे, हम अगर अच्छे डिसिप्लिन में गाड़ी चलाएंगे और मेरे कोई भी कारण दूसरे किसी गाड़ी वाले को या ड्राइवर को नुकसान नहीं पहुंचे, किसी रास्ते पे चलने वाले को नुकसान नहीं पहुंचे, इस ढंग से हम अगर अपनी सोच रखेंगे तो निश्चित रूप से रोड एक्सीडेंट से मरने वालों की संख्या कम हो सकती है। इसलिए सबसे मैं प्रार्थना करता हूँ कि आप डिसिप्लिन में रहिए। गाड़ी चलाते समय मोटर बाइक चला रहे तो हेलमेट पहनिए, गाड़ी में बैठे हुए तो सीट बेल्ट लगाइए, स्पीड लिमिट का पालन कीजिए और रास्ते के जो भी नियम है उनका पालन करते हुए गाड़ी चलाइए। धन्यवाद। रन फॉर रोड सेफ्टी मैराथन दौड़ में करीब 4,000 रनर्स ने रोड सेफ्टी मैसेंजर्स की भूमिका अदा की। सोनू निगम, साधना सरगम, सुनील ग्रोवर के साथ कई गणमान्य अतिथियों की उपस्थिति ने कार्यक्रम को 4 चांद लगा दिए। हमारी दिव्या बेन और ब्रह्मा कुमारी की तो मैं शुक्रगुजार हूँ। अगर हेल्थ है तो हैप्पीनेस है, हैप्पीनेस है तो पीस है, और जहाँ पीस है वहाँ ब्रह्मा कुमारी। गुफी गुफी जेंट्स 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 लेडी रोड रोड सेफ्टी 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 वीक वीक को बनाए स्ट्रॉन्ग। ओम शांति। जब हम एक यात्रा पर निकलते हैं तो हमारी दृष्टि रास्ते पे चलने वाली बहुत सारी गाड़ियों पर पड़ती है और अक्सर करकर गाड़ियों का जो रंग रूप स्वरूप देखकर हमको मोरले से एक अंदाज आ जाता है कि वो गाड़ी की क्वालिटी कैसे होगी। उसी तरह दोस्तों, इस जीवन रूपी यात्रा में हम बहुत लोगों से मिलते हैं। वो लोगों की क्वालिटी कैसा है अगर जानना है,
उनका बिहेवियर कैसा है, उनका व्यक्तित्व कैसा है, हाउ इज द पर्सनालिटी, इट इज एक्चुअली वेरी वेरी सिंपल। बस उनसे दो प्रश्न पूछेगा। पहला प्रश्न आप उनसे पूछेगा कि आपको गाड़ी चलाना आता है क्या, तो अक्सर करके वो जवाब देंगे यस, मैं इतने साल से गाड़ी चलाता हूं, आई नो हाउ टू ड्राइव एंड मोरलेस आई हैव गॉट अ ड्राइविंग लाइसेंस ऑल्सो। अगर फर्स्ट कंडीशन ओके है तो दूसरा बहुत सिंपल है, आप उनसे कहिएगा कि आप गाड़ी ड्राइव करिए और उनके साथ आधे एक घंटे बस वो गाड़ी कैसे ड्राइव कर रहे हैं उसके आधार पर उनके जीवन की क्वालिटी को हम महसूस कर सकते हैं। जैसे ही आप उनके साथ गाड़ी में बैठते हैं तो जस्ट उनको जरा ऑब्जर्व करिए और मोर ऑर लेस उनके कर्मों के द्वारा टू सम एक्सटेंट अप्रोक्सीमेटली उनके जीवन की क्वालिटी का अंदाज हमें हो सकता है। अगर वो ड्राइवर बैठता है और इमीडिएटली सीट बेल्ट की तरफ सीट बेल्ट लगाता है, इसका मतलब है उसके जीवन में उनको सुरक्षा का बहुत ध्यान है, उनका लाइफ बहुत पंचुअल और डिसिप्लिन्ड है। फिर आप एक काम करिए, उस दोस्त को बहुत उबड़ खबड़ रास्ते पे लेके जाइए और जस्ट उनके चेहरे को ऑब्जर्व करिए। अगर वो उबड़ खबड़ रास्ते को देखकर बहुत उनको गुस्सा आ रहा है या इरिटेशन हो रहा है तो हमें समझ में आना चाहिए कि उनके जीवन में भी शायद वो इसी तरीके से बिहेव या इसी तरीके से इरिटेट होकर या गुस्से से रिएक्ट भी ज़रूर ज़रूर करते होंगे। फिर एक काम करिए, आप जस्ट उनको ऑब्जर्व करिए कि जब वो गाड़ी चला रहे हैं तो कितनी बार वो हॉन्क कर रहे हैं। अगर वो हॉन्क कर रहे हैं इसका मतलब कहीं ना कहीं उनके जीवन के अंदर वो एग्रेसिव बिहेवियर ज़रूर है। और बाई चांस चलाते वक्त अगर कोई एम्बुलेंस आता है और अगर आपके साथ जो ड्राइवर है वो उसको बहुत प्यार से रास्ता देता है और अगर कोई पेडेस्ट्रियन क्रॉस करता है तो वो गाड़ी रोककर उनको अलाउ करता है, इसका मतलब है उनके जीवन की क्वालिटी में बहुत शांति, प्रेम और खुशी के इमोशन ज़रूर ज़रूर हैं। दिस by this particular way driving behavior actually makes us understand the quality of a particular personality. Aur last mein aap us driver se kuch safety rules and regulations ke bare mein janiye, kyunki jeevan ki raksha ke liye hame kuch niyam maryadaen janna bahut bahut zarurat hai. Aur aaj main aapko ek safety ka rule puchna chahunga कि जब भी आप रास्ते से चलते हैं तो आपको रास्ते के बीच में या इस प्रकार की एक कंटिन्यूस लाइन मार्किंग दिखाई देती है या बीच बीच में ऐसा आपको एक मार्किंग दिखाई देती है जहां पर वो स्पेस है, राइट? आप प्लीज़ आप वो ड्राइवर भाई से या बहन से पूछेगा, अगर वो उसका सही जवाब देते हैं इसका मतलब ये है कि वो सुरक्षा के नियमों के बारे में बहुत जागृत हैं और सुरक्षा नियमों को जानने से हमारे जीवन में सुरक्षा ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है। दोस्तों क्या आप जानते हैं कि जब हम यात्रा कर रहे हैं या ड्राइव कर रहे हैं तो ये जो बीच में जो लाइनिंग दिखाई देती है उसका अर्थ क्या है? अगर आपको इस प्रकार का एक लाइनिंग दिखाई देता है जो कंटिन्यूस है, इसका मतलब ये है कि आपके सामने जो गाड़ी चल रही है उससे आप बिल्कुल ओवरटेक नहीं कर सकते हैं। और अगर आपको बीच में स्पेस दिखाई देता है इसका मतलब है कि आप उस सामने वाले गाड़ी से ओवरटेक करके जा सकते हैं। और जब भी आपको कोई गाड़ी ओवरटेक करना होता है तो सुरक्षा के हिसाब से तीन प्रश्न पूछना बहुत बहुत ज़रूरत है। नंबर वन, कब आप ओवरटेक कर सकते हैं? नंबर टू, कहां पर ओवरटेक कर सकते हैं? और तीसरा जो है, कैसे ओवरटेक कर सकते हैं? चलिए इसके बारे में हम थोड़ा सा चिंतन करते हैं। तो जैसे मैंने बताया, कब ओवरटेक कर सकते हैं, कहाँ पर ओवरटेक कर सकते हैं और कैसे ओवरटेक करना चाहिए। तो पहला प्रश्न है कब ओवरटेक करें, तो जब भी आप सामने वाली गाड़ी से ओवरटेक कर रहे हैं, अगर आपको रोड के बीच पर वो जो लाइनिंग में स्पेस दिखाई दे रहा है मतलब आप ज़रूर ज़रूर ओवरटेक कर सकते हैं, आप सुरक्षित हैं। नंबर टू, कहां पर ओवरटेक करें, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जैसे ही आप ओवरटेक करने के लिए वो सामने वाली गाड़ी से आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं तो आपको ज़रूर ये अंदाज लगाना चाहिए कि ऑपोजिट डायरेक्शन से जो गाड़ी आ रही है वो कितनी दूरी पर है और उसके आधार पर आपको वो एक स्पीड का एडजस्टमेंट करना बहुत बहुत ज़रूरत है, नहीं तो आपका हेड ऑन कोलिजन हो सकता है। और तीसरा बहुत इम्पॉर्टेंट है, कैसे ओवरटेक करना चाहिए। आप इस बात का ध्यान रखेंगे कि जब आप वो गाड़ी से आगे बढ़ते हो तो आपकी गाड़ी का स्पीड वो बाजू वाले की गाड़ी के स्पीड से ज़रूर ज़रूर ज़्यादा होना चाहिए। ये तीनों बातों का अगर हम ध्यान रखते हैं तो नेचुरली आप सुरक्षित आप आगे बढ़ सकते हैं। सड़क सुरक्षा जीवन की रक्षा। दोस्तों सड़क सुरक्षा के लिए हम नियम तो मोरलेस जानते हैं लेकिन जीवन की रक्षा और सुरक्षा के लिए यही तीन बातों का चिंतन करना बहुत ज़रूरत है टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ लाइफ। कब, कहाँ और कैसे।
हम अपने जीवन के व्यक्तित्व को बढ़ाने के लिए राइट जब हम देखते हैं कि हमारे जीवन में क्रोध ईर्ष्या और अहंकार की मात्रा बढ़ गई है तब ओवरटेक करना बहुत ज़रूरत है। और किस बात में ओवरटेक करना ज़रूरत है? हमारे जीवन में शांति प्रेम और खुशी की मात्रा बढ़ाना बहुत बहुत ज़रूरत है। दैट इज़ अ फर्स्ट पॉइंट। नंबर टू, कहाँ पर हमें ये स्पीड को बढ़ाना है? दोस्तों ये जो सारे जो इमोशंस हैं चाहे पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो ये हमारे मन बुद्धि और संस्कार में है और इन तीनों में परिवर्तन करना बहुत बहुत ज़रूरी है। मन अर्थात एक्सलेटर का काम करता है, बुद्धि अर्थात ब्रेक और क्लच जो है वो संस्कार की बात होती है। तो क्वालिटी ऑफ लाइफ डिपेंड्स अपॉन कंट्रोलिंग दीज थ्री मैकेनिज्म। अब तीसरा फाइनल प्रश्न है कि हम कैसे करें। जैसे हम जब भी ड्राइविंग सीखते हैं तो एक पर्टिकुलर प्रकार की ट्रेनिंग होती है, उसी तरह कैसे का अर्थ है एक बहुत सुंदर टेक्नोलॉजी है जिसको हम राजयोग मेडिटेशन कहते हैं, जहां पर मैं आत्मा रूपी ड्राइवर अपने जो कर्मेंद्रियां हैं और सूक्ष्म कर्मेंद्रियां मन बुद्धि और संस्कारों पर धीरे धीरे कंट्रोल करते हुए अपने जीवन में शांति प्रेम और खुशी की मात्रा को बढ़ाते हैं, thereby इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ अ लाइफ। दोस्तों मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा इस राजयोग मेडिटेशन को जरूर सीखिए और अपने जीवन में सुरक्षा को बढ़ाइए और अपने जीवन से खुशियों से भरपूर करिए। आप सभी का बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। थैंक यू। ओम शांति। नमस्कार। ओम शांति। आजकल मॉडर्न युग में कार और मोटर बाइक का इस्तेमाल बढ़ता जा रहा है और मेजॉरिटी जो मृत्यु हो रहे हैं वो रोड एक्सीडेंट के कारण होता है। कारण क्या है कि लोगों को धीरज नहीं रहती है और जल्दी जल्दी पहुंचना है, भल करके रास्तों पर साइन है कि बेटर लेट देन नेवर, परंतु फिर भी क्या होता है लोगों को धीरज नहीं रहती है और रोड रेज यानी गुस्से से कई है वो हिंसा भी करते हैं, किसी को मार भी डालते हैं। विदेश में तो खास रोड रेज के बहुत ही मृत्यु हो रहे हैं क्योंकि गन हाथ में होती है तो यूज कर लेते हैं। परंतु जितना हम मेडिटेशन का अभ्यास करते हैं देखा गया है धीरज भी रहती है, शांति भी रहती है और प्यार भी रहता है और वायलेंस से दूर रहते हैं, उससे हमारी निर्णय शक्ति भी अच्छी होती है कि कब कार को मोड़ना है, कब कार को बंद करना है, ब्रेक लगाना है और कब औरों को रास्ता देना है। तो आप लोग इस सेमिनार में भाग ले रहे हैं बहुत खुशी की बात है और इस सेमिनार द्वारा आप मेडिटेशन के लाभ भी समझ सकेंगे कि कितना मेडिटेशन के कारण हमें लाभ होता है,
मौत से बच जाते हैं, एक्सीडेंट से बच जाते हैं और हर एक के साथ हम अच्छे संबंध रख सकते हैं। ओम शांति। अब आप सभी एक सुंदर, सुखद, आनंदमय अंतर जगत की यात्रा के लिए अपने मन और बुद्धि को एकाग्र करते हुए अपने अपने स्थानों पर स्थिर होकर बैठ जाएं। मेडिटेशन कमेंट्री द्वारा शांति की अनुभूति कराने वाली ये पल जो आपकी जीवन यात्रा में सफर की सौगात बन जाए, हर शब्द को ध्यान से सुने और अनुभव के सागर में समा जाए। ओम शांति। आइए जीवन यात्रा का आनंद बढ़ाएं। क्या मेरे लिए इस यात्रा की मंजिल ही महत्वपूर्ण है या इस सफर का अनुभव भी? जरा सोचिए, मुकाम पर पहुंचना जितना महत्वपूर्ण है, उतना ही महत्व सफर के आनंद का भी है। यात्रा में हर रेड सिग्नल, ग्रीन सिग्नल, अनेक मोड सब अपने स्थान पर जरूरी है। जीवन में भी तो हर उतराव चढ़ाव ने हमें अनुभवी बनाया है। हार जीत, हानि लाभ, दुख सुख, यही तो जीवन की विविधता है। इस सत्य को समझते हुए मैं जीवन यात्रा के हर दृश्य का संपूर्ण आनंद ले रही हूँ। ओम शांति ओम, I'm a peaceful soul। ओम शांति ओम, I'm a peaceful soul। इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशन। और स्वास्थ्य पर मुझे लगता है कि हमें रूल्स फॉलो करने चाहिए। एक्चुअली इसमें हमारी सेफ्टी है और सबकी सेफ्टी है। इनफैक्ट किसी ने बहुत सुंदर कहा था, इट इज़ बेटर टू बी कन्फाइंड टू अ सीट बेल्ट देन टू बी कन्फाइंड टू अ व्हील चेयर। मैंने सीट बेल्ट का बंधन व्हील चेयर के बंधन से बहुत अच्छा है। और एक्चुअली तो ये बंधन भी नहीं, जैसे कहते हैं ना रक्षाबंधन, ये नियम, ये बंधन तो हमारे ही प्रोटेक्शन के लिए है। राइट। बट आई डू फील कि कभी कभी इंडियन रोड्स पे चलाना थोड़ा सा चैलेंजिंग होता जाएगा। हम इतने घंटे ट्रैवल करते हैं, इतना ट्रैफिक होता है, हम सब इतनी जल्दी में होते हैं। इनफैक्ट कोई मुझे कह रहा था कि अगर हम सिग्नल पर खड़े हैं और सिग्नल ग्रीन हो और पीछे तुरंत कोई हॉर्न करने लगे तो समझ जाने का या तो हम बॉम्बे में हैं या दिल्ली में हैं। आपकी बात सही है, क्योंकि हमने भी कभी मुंबई में ये चीज़ को अनुभव किया है। लेकिन शेयरबिन इसका एक व्यू पॉइंट ये भी हो सकता है, देखने में आता है चाहे पढ़ाई में या स्पोर्ट्स में या वर्किंग प्लेस पर। समझो हमने कोई कार्य दूसरों की कंपैरिजन में जल्दी कर लिया तो हमको अप्रिशिएट किया जाता है, और जब अप्रिशिएट किया जाता है तो अच्छा ही लगता है। बल्कि नेक्स्ट टाइम हम उस कार्य को और कम समय में पूरा करने की कोशिश करते हैं। तो इससे हमारी बिलीफ सिस्टम में इम्प्रिंट जैसे हो चुका है कि स्पीड तो अच्छी है, बल्कि स्पीड इज़ अ स्किल। और जब हम रोड पर ड्राइव करने जाएंगे तो यही हमारी बिलीफ सिस्टम वहाँ पर कार्य करेगी। तो कहने का भाव ये है कि एक तरफ हमारा कल्चर हमको सिखाता है कि स्पीड अच्छी है, लेकिन जब रोड पर ड्राइव करने की बात है तो क्या कहा जाता है, स्लो डाउन या ड्राइव इन लिमिट। तो इसको भी क्लियर करना चाहिए। यस, तो कहीं ना कहीं फिर ये भी कहते हैं ना कि स्पीड थ्रिल्स बट इट किल्स। माना समवेयर प्रोबब्ली स्पीड अच्छी है, ओवर स्पीडिंग अच्छी नहीं है, क्योंकि बस पर ये भी ज़रूरी है कि हम अपनी जर्नी को एंजॉय करें, हमारी जर्नी कम्फर्टेबल हो। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि डेस्टिनेशन तक पहुंचते पहुंचते हम इतने ड्रेन्ड हो चुके होते हैं, इतने इरिटेटेड होते हैं, डिसकंफर्ट में होते हैं। तो कैसे हम स्पीड को भी इंजॉय करें, कंफर्ट भी एक्सपीरियंस करें और अपनी जर्नी को बहुत अच्छा बना सकें, तो हमारे जो आगे के स्पीकर्स हैं वो हमें इस पर गाइड करेंगे, इस पर प्रकाश डालेंगे। और अब हमारे साथ हैं सिस्टर कविता, ब्रह्मा कुमारी राजयोगा फैकल्टी, ब्रदर मुकुल राजयोगा प्रैक्टिशनर एंड प्रोफेशनल ट्रेनर, प्रियंका चोपड़ा ग्लोबल आइकन, दिव्या बहन
वाइस चेयरपर्सन ट्रांसपोर्ट एंड ट्रैवल विंग। ओम शांति। सुरक्षा, सेफ्टी, कितना अच्छा शब्द है। वास्तव में ये केवल एक शब्द ही नहीं, लेकिन हमारी स्टेट ऑफ माइंड को रिफ्लेक्ट करता है। मान लीजिए हम रोड पर ट्रैवल कर रहे हैं और हमारे आगे जो कार है वो हमारी स्पीड से कम स्पीड पर चल रही है। पॉसिबल है कि ऐसे में मन में सोच चले, शायद नया नया ही ड्राइविंग सीखे हैं और स्लो स्लो इसीलिए चला रहे हैं। और इसी दौर में अगर कोई दूसरी कार हमारी स्पीड से अधिक रफ्तार पर चलते हुए ओवरटेक कर लेती है तो भी ये संभव है कि सोच चले, कितनी तेज चला रहे हैं, न जाने किस बात की जल्दी है। अब ये दोनों ही प्रकार के संकल्प वास्तव में हमारी मन की स्थिति को रिफ्लेक्ट करते हैं। ये बताते हैं कि हम एक कॉम्पिटिटिव मोड में यात्रा कर रहे हैं। वास्तव में रोड्स ये कोई कॉम्पिटिशन की जगह तो नहीं है। हाँ, उसके लिए अलग इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, अलग स्पेशल डेडिकेटेड स्पेसेस होते हैं, लेकिन हमारी सड़कें ये तो वो स्थान है कि जहाँ हमें कर्टसी दिखानी है, जहाँ हमें औरों के प्रति रिस्पेक्ट दिखाना है, कोऑपरेशन की भावना रखते हुए उस स्पेस को यूज़ करना है। हम चाहे कितने भी फोकस्ड क्यों ना हो, हम चाहे कितने भी अपने आप को केपेबल क्यों ना समझे, फिजिकली एनर्जेटिक भी हो, मेंटली अवेयर भी हो, लेकिन हम सभी फिजिक्स के लॉज को साथ लेते हुए चल सकते हैं, ना कि उन्हें डिफाई कर सकते हैं। जब भी हम आगे बढ़ते हैं तो हमारी आँखों का एक फील्ड ऑफ विजन होता है कि हमें कहाँ तक, कितनी दूर तक और कितनी ब्रॉड फ्रेम का दृश्य दिखाई देता है। जितनी हमारी ट्रैवल की स्पीड बढ़ती है उतना हमारा फील्ड ऑफ विजन ब्रॉड से बढ़ती हुई स्पीड में नैरो होता जाता है। अर्थात अगर हम तेज स्पीड पर चल रहे हैं और आगे की सड़क से एक इंटरसेक्टिंग व्हीकल आ रहा है तो हमें वो और देरी से दिखाई देगा, ज़्यादा स्पीड होने की वजह से, क्योंकि हमारा फील्ड ऑफ विजन नैरो है। साथ साथ अगर आवश्यकता हुई और हमें ब्रेक लगानी पड़ी तो उसके लिए हमारे पास रिएक्शन टाइम भी कम होगा, क्योंकि नज़दीक वो आने के बाद ऑब्जेक्ट हमें दिखाई दिया है। और साथ साथ जिस व्हीकल को हम चला रहे हैं उस व्हीकल को भी रुकने के लिए, जितनी स्पीड ज़्यादा तो उसको रुकने के लिए उतना डिस्टेंस भी अधिक लगता है, जिसको ब्रेकिंग डिस्टेंस कहते हैं। और जितनी हमारी स्पीड अगर दुगनी हो गई तो व्हीकल को ब्रेकिंग डिस्टेंस 4 गुना लग जाता है, अर्थात किसी के साथ इम्पैक्ट होने की संभावना उतनी ही बढ़ जाती है। इसीलिए भाइयों और बहनों, सड़क पर स्पीड को हमें रीथिंक करना है। साधारणतः कईयों की ये सोच होती है, उसमें भी विशेष युवा जनरेशन की, कि स्पीड तो बहुत थ्रिल देती है, क्या मज़ा आता है, जितना हम फास्ट चलें तो बड़ा मज़ा आता है। लेकिन क्या हमारी सड़कें ये थ्रिल के लिए बनी हुई हैं? हाँ, जहाँ स्पीड से थ्रिल मिलती उसके लिए तो अम्यूजमेंट पार्क्स बने हुए हैं, इस थ्रिल का अनुभव हम वहाँ कर सकते हैं। लेकिन सड़कों पर थोड़ा सा इम्पैक्ट किसी के लिए जिंदगी और मौत का सवाल हो सकता है, और इसीलिए हमें स्पीड के बारे में सोचना है। 1886 में जब सबसे पहला मोटराइज्ड व्हीकल इन्वेंट किया गया था, उसकी स्पीड मैक्सिमम मात्र 16 किलोमीटर पर आवर की थी। और आज के मोटर व्हीकल्स की स्पीड कितनी है? हमने तरक्की की है ना? लेकिन साथ साथ ज़रा सोचें कि जब 1800s, 1900s में मोटराइज्ड व्हीकल को इंसान चलाता था तो उस समय उसकी स्टेट ऑफ माइंड क्या थी? उस समय
इतने डिस्ट्रैक्शंस नहीं थे। टेंशन और डिप्रेशन ये तो अननोन वर्ड्स थे, और आज हमारे पास फोन्स हैं, गैजेट्स है, मैसेजिंग बीप्स है, प्लस इतने सारे टेंशन डिप्रेशन की बातें भी कईयों के जीवन में होती रहती, अर्थात माइंड को डिस्ट्रैक्ट होने के वजह चांसेस आज ज़्यादा हैं। और ऐसे में एक वीक माइंड अगर एक पावरफुल व्हीकल को पायलट करता है तो उसका नतीजा क्या होगा। लेकिन जैसे हमने व्हीकल्स को पावरफुल बनाया, ठीक इसी प्रकार से हम हमारे मन को भी पावरफुल बना सकते हैं। जब ह्यूमन माइंड ने मैटर पर फोकस किया तो हमने कितने ना आविष्कार किए हैं। आज आवश्यकता है कि यही ह्यूमन माइंड अपने आप पर फोकस करे तो हम और बड़े आविष्कार कर सकते हैं, हम हमारे मन की शक्ति को पहचान सकते हैं। और इसी विधि को भाइयों और बहनों मेडिटेशन कहते हैं, या भारत की संस्कृति में योग का इतना महत्व है। और ये योग केवल कोई बैठकर करने वाली साधना नहीं है, लेकिन कर्म योग भी है। अर्थात हमारी हर जर्नी को, हमारी हर ड्राइव को, सड़क पर हमारी हर यात्रा को हम कर्म योग का रूप दे सकते हैं। हम यूके के रोड्स पर ट्रैवल कर रहे थे बस में, सामने की डायरेक्शन से एक दूसरी बस आ रही थी। क्रॉस होते होते हमारी नज़र पड़ी, दोनों ही ड्राइवर्स का आई कांटेक्ट हुआ, एक प्यारी सी स्माइल दोनों ने एक्सचेंज की विथ अ जेस्चर ऑफ कर्टसी एंड रिस्पेक्ट। एक छोटा सा जेस्चर था लेकिन वो हमारे दिल को छू गया। आज भी वो मेमोरी बहुत प्लीजिंग है। हम भी जब सड़कों पर यात्रा करते हैं, बहुत सारे पेडेस्ट्रियंस के साथ, बहुत सारे अन्य व्हीकल्स के ड्राइवर्स के साथ हमारा भी आई कॉन्टैक्ट होता है। कैन वी एक्सचेंज अ विजन ऑफ लव एंड रिस्पेक्ट जैसे ही हमारी नज़र से नज़र मिलती है। अगर एक इंटरसेक्शन पर हमारा व्हीकल और कोई दूसरा व्हीकल लगभग लगभग एक साथ पहुंचता, हमारे पास एक चॉइस होती है। एक चॉइस है, पहले मैं निकल जाऊं पहले उनसे पहले, और दूसरी चॉइस होती है पहले आप। हम क्या चूज करते हैं ये हमारी इंटरनल स्टेट ऑफ माइंड को रिफ्लेक्ट करता है। कोशिश करके देखें, जब भी मौका मिले पहले आप। शायद एक पूरी मिनट का भी फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन हम जीवन में ब्लेसिंग्स अर्न कर सकते हैं। तो इस प्रकार से यात्रा करते हुए हम केवल थ्रिल ही नहीं, लेकिन ब्लेसिंग्स भी साथ साथ अर्न कर सकते हैं। एक सुखद सुकून की फीलिंग, बहुत ज़्यादा तेज़ चलते चलते तो माइंड में स्ट्रेस भी बढ़ जाता है। तो हमारी जर्नी को हमें स्ट्रेस फ्री भी बनाना है, उसको एन्जॉय भी करना है, दूसरों को रिस्पेक्ट देते हुए भले उनको आगे जाने का मौका देना पड़े, बट इट इज़ अ वेरी प्लेजेंट एक्सपीरियंस। तो इस प्रकार से जितनी रोड की क्वालिटी, जैसी हमारे व्हीकल की कंडीशन, जैसे को ट्रैवलर्स और पेडेस्ट्रियंस जो सड़क पर चल रहे हैं उनकी स्पीड है, उन सब बातों को कंसिडर करते हुए हमें हमारी स्पीड बनानी है। और हमारी हर यात्रा को केवल एन्जॉय ही नहीं करना है, लेकिन उसमें हमें दुआएं भी कमानी है। ओम शांति। हाँ जी, थोड़ा अपना प्यारा सा मुखड़ा दिखाना शीशे के बाहर झांक के। हैं जी, कहिए। अरे ये क्या कर रहे हो? और मेरे भाई, और जिस चीज का कोई फायदा नहीं उसको रखने का फायदा क्या? और तेरे पास चश्मा होते हुए तेरे को रेड लाइट नहीं दिखती तो फायदा की? पर रोड तो खाली थी, कोई था ही नहीं। ये क्या बात हुई भाई, है? और इसका मतलब तो ये है कि दुकान पर अगर मालिक नहीं होगा तो तुम बिना पूछे उसका सामान उठाओगे, और बॉस नहीं होगा ऑफिस में तो तुम उसकी कुर्सी पे सो जाओगे,
तो रोड पे कोई हो न हो, सड़क के नियम कायदे कानून कभी नहीं टूटेंगे। और वैसे भी ये तो है मेरी सड़क, और मुझे कहते हैं हवलदार कड़क। रेड लाइट होने पर हमें अपनी गाड़ी रोक लेनी चाहिए और उसे ग्रीन होने पर ही आगे बढ़ना चाहिए। ऐसा न करके हम अपनी और दूसरों की जान खतरे में डाल सकते हैं। सब एक हो जाएं तो बन सकते हैं पहचाने जहान, वरना बिखरे हुए तारों से क्या काम बने। इसी सत्य को समझते हुए 30 स्कूल्स, 21 कॉलेजेस, 20 एनजीओस एवं कई सरकारी संगठन ब्रह्मा कुमारीज के साथ जुड़े और जॉइनिंग हैंड्स, लिंकिंग माइंड्स, 5,000 लोगों की 5 किलोमीटर लंबी ह्यूमन चेन द्वारा सड़क सुरक्षा का पैगाम समाज में जोर शोर से पहुंचाया गया। इस कार्यक्रम में टीवी एवं फिल्म कलाकार अली खान, अनस राशिद, वर्ल्ड विस्लिंग चैंपियन निखिल राणे, मुंबई मित्र के संपादक अभिजीत राणे ने उपस्थित रहकर सभी को उत्साहित किया। नमस्ते दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि भारत के सड़कों पर हर 3.5 मिनट पर एक भारतवासी का देहांत होता है रोड एक्सीडेंट के कारण, और 5 एक्सीडेंट्स में से एक एक्सीडेंट का कारण है कि ड्राइवर, जो गाड़ी चलाने वाले व्यक्ति हैं, वो ड्रंक कंडीशन में या किसी भी व्यसन के आधार पर है। विच मीन्स कि अगर हम केवल व्यसन को गाड़ी चलाते समय त्याग करें तो भारत में हम सभी 20% रोड एक्सीडेंट को रिड्यूस करने के लिए कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, और ये हम आप कर सकते हैं तुरंत। इट्स नॉट डिफिकल्ट, व्यसन छोड़ना कोई मुश्किल नहीं है। आप इसके लिए मन को प्रसन्न करिए, मन में दृढ़ता लाइए, सकारात्मकता लाइए, एफर्मेशंस का अभ्यास कीजिए, फिजिकल एक्सरसाइज, प्राणायाम, योगा, मेडिटेशन करिए, तो आपका मन सकारात्मकता से भरपूर रहेगा, और उस सकारात्मकता के आधार पर मन पे दृढ़ता आएगी, और दृढ़ता के आधार से आप सहज ही अपने अंदर ये ट्रांसफॉर्मेशन कर सकेंगे अनेकों ने किए। साथ साथ जब आप आपके प्रियजनों के आंखों पर देखेंगे उनका स्नेह, आपका उनके प्रति स्नेह आपको प्रो सोशल बिहेवियर की तरफ ले जाएगा, तो इसके लिए इस प्रकार का इरेस्पॉन्सिबल बिहेवियर हम कंप्लीटली अवॉइड करें। और एक टिप कि गाड़ी में जब आप बैठ रहे हैं, गाड़ी में ड्राइवर सीट में बैठने के पश्चात पहली बात उस परम शक्ति परम पिता परमात्मा जो कि कल्याणकारी है, उस परम शक्ति परमेश्वर को प्यार से याद कीजिए, उनको आह्वान करिए, इन्वोक करिए अपनी गाड़ी में, और साथ साथ एक सेकंड के लिए विजुअलाइज कीजिए आपके को ड्राइवर सीट में आपके जीवन के सबसे प्रिय व्यक्ति जो है वो बैठे हैं, और उस प्रिय व्यक्ति को लेकर आप जा रहे हैं। तो कभी भी हम इस प्रकार का साधारण व्यवहार नहीं कर सकेंगे, हम पूर्ण रूप से व्यसन से मुक्त रहेंगे, शराब से मुक्त रहेंगे। तो आइए इस पल, इस घड़ी यह दृढ़ प्रतिज्ञा करें अपने आप से, अपने परिवार जनों से, और उस परमात्मा से कि हम कभी भी किसी भी प्रकार के व्यसन से अधीन होकर गाड़ी में नहीं बैठेंगे, ड्राइवर सीट में नहीं बैठेंगे। थैंक यू। ओम शांति। अधिक रफ्तार का मजा कहीं बन ना जाए सजा, क्योंकि सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा। हेलमेट पहनना है जरूरी, नहीं समझना है इसे मजबूरी। जी हाँ, सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा। रुको और बचाओ जान, सिग्नल है सुरक्षा की पहचान, क्योंकि सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा। दुर्घटना से तब बच पाओगे जब सीट बेल्ट पहन गाड़ी चलाओगे। जी हाँ, सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा। नशा तो ऐसी आफत है, सीधी मौत को दावत है, क्योंकि सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा।
मंजिल पर पहुंचना है शान से, तो गाड़ी चलाओ ध्यान से। जीना है अरमान से, तो मोबाइल हटाओ कान से। जी हाँ, सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा। ये पैगाम है जनहित में जारी, नियमों का पालन हर एक की जिम्मेवारी, क्योंकि सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा। Namaste everyone. I hope everyone is safe and well. Firstly, I would like to congratulate the Brahma Kumaris for organizing the Sadak Suraksha Jeevan Raksha Safety Begins With You virtual event to discuss and address a critical issue like road safety. I know that the past year has been tough on everyone and we are all dealing with a lot, but I also believe it's important to continue the dialogue on issues like these, which have a huge impact on so many across the country. I would like to wish you all the very best for a successful event. Keep doing all the amazing work that you do. God bless. ओम शांति। सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा के आज के इस कार्यक्रम में मेरे पूर्व वक्ताओं ने रोड सेफ्टी के कई नियम हमें उसकी जानकारी दी है। और सड़क एक ऐसी चीज़ है जिसका यूज़ के बिना किसी को भी चलता नहीं है, और उसमें भी कुछ एक व्यक्ति ऐसे हैं कि जिनको जीवन का काफ़ी हिस्सा उनका सड़क पर बीतता है, अर्थात ट्रैवलिंग रोज की 6 घंटा 8 घंटा होती है, घर में कम और सड़क पर समय और जीवन अधिक बीतती है। तो हमारी जीवन की रक्षा का हमें स्वयं ही ख्याल करना चाहिए, और स्वयं की रक्षा में परिवार की रक्षा वो समाई हुई है, क्योंकि एक ही व्यक्ति पर पूरे परिवार की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, और उनका यदि एक्सीडेंट हो जाता है तो सारा परिवार है वो निराधार बन जाता है, टेंशन में आ जाता है, डिप्रेशन में आ जाता है, हताश हो जाते हैं। इसीलिए स्वयं की सुरक्षा में रहना जरूरी है, क्योंकि परिवार की भी उसमें रक्षा है। और देखते हैं कि मेजोरिटी जो मौत है, एक्सीडेंट की मात्रा सड़क पर दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है, और इसीलिए हमें अपनी रक्षा का ख्याल करना जरूरी है। और देखा जाए कि जैसे हम व्हीकल चलाते हैं तो उस समय पर हमें अपनी कार की केयर करना जरूरी है, उसमें ईंधन है कि नहीं वो देखना जैसे जरूरी है, तभी तो कार चलेगी। ऐसे ही ये शरीर रूपी कार को चलाने वाली चैतन्य आत्मा है, तो ये शरीर की रक्षा करना, शरीर रूपी कार की रक्षा करना, उनके पार्ट का केयर करना, इसमें भी ईंधन देना ये जरूरी है। लेकिन व्हीकल चलाने वाले व्यक्ति जितने सशक्त स्वस्थ और सावधानी पूर्वक उसको चलाएंगे, उतना व्हीकल ज़्यादा समय और सुरक्षित रूप से वो चला सकते हैं। ऐसे ही शरीर रूपी कार को चलाने वाली चेतन आत्मा, वो भी जितनी सशक्त होगी
तो ये शरीर भी स्वस्थ और सशक्त रहेगा और आत्मा का जितना शरीर पर अंकुश कंट्रोल होगा उतना ही हमारे व्हीकल के स्टीयरिंग पर भी हमारा कंट्रोल होना ये ज़रूरी है और वो रहेगा। और इसीलिए इस कंट्रोल के लिए मैं समझती हूँ कि हमें अपने जीवन में मेडिटेशन ध्यान साधना की अति आवश्यकता है। और मेडिटेशन माना ही कि हमारे मन के विचारों को हम सकारात्मक रखें और श्रेष्ठ रखें। तो आज मैं तीन विचार आपके सामने रखती हूँ। सबसे पहले कि मैं सड़क पर चलूँगी तो हमेशा सतर्क होकर के चलूँगी, मैं व्हीकल चलाऊँगी तो भी सुरक्षित रूप से मैं उनको चलाऊँगी। और साथ साथ जब व्हीकल चलाते हैं हमारे परिवार के सदस्य उसमें बैठे हो तो हम कितनी सावधानी रखते हैं क्योंकि मेरे फैमिली मेंबर है। इसी तरह से जब कॉमर्शियल व्हीकल चलाते हैं उस समय पर भी ध्यान रहे कि विश्व एक परिवार है और मेरे ही परिवार के सदस्य इसमें बैठे हैं तो हम इतनी सुरक्षा के साथ सावधानी के साथ उस व्हीकल को हम चलाएंगे। तीसरी बात, इस जीवन यात्रा में भी छोटी छोटी हम कई यात्राएं करते हैं और उस यात्रा में भी कई हमारे यात्री साथी होते हैं, उनके साथ भी हम कैसे चलें। और ये याद रखें कि हमारी जीवन यात्रा में भगवान हमारा साथी है और भगवान साथ हैं तो सुरक्षा है। और साथ साथ हम इन नियमों का पालन करने के लिए अपने जीवन में व्रत कहें, दृढ़ संकल्प कहें, प्रतिज्ञा कहें, ये यदि हम करते हैं तो उन चीज़ों पर हमारा अटेंशन नेचुरली रहता है। जैसे पहली बात कि नियम का पालन ये हमें यम से बचाएगा, संयम से चलेंगे तो सम्मान हमें मिलेगा और कायदे से चलेंगे तो उसमें फायदा है। ये तीन प्रतिज्ञा, ये तीन व्रत हम अपने जीवन में लेकर के रखें। और साथ साथ मैं अंत में कहूँगी हमारे श्रोतागणों को कि आज के इस शुभ दिवस पर मैं आप सबके लिए ये शुभ कामना करना चाहती हूँ कि आपकी जीवन यात्रा वह सदा सफल हो, सुरक्षित रहें। साथ साथ वाहन जो चलाते हैं अपने शरीर और वाहन की भी आप सदा केयर करें। और जीवन यात्रा में हर यात्री के प्रति मेरा व्यवहार प्यार भरा रहे, ऐसी शुभकामनाएं मैं करती हूँ। आशा रखती हूँ कि इस बात का हम ध्यान रख कर के चलेंगे तो आपकी यात्रा सदा के लिए सुरक्षित और सेफ रहेगी। ओम शांति। ओम शांति। आइए जीवन सफर में अपने मन को तरोताजा कर लें। जैसे बारिश की रिमझिम तपती गर्मी को मिटा देती है, ऐसे ही शांति की शीतल बौछारें मेरे मन को ठंडक दे रही हैं। मैंने अपने मन को मशीन की तरह कुछ ज्यादा ही यूज किया है। इन शांति की बौछारों से मेरा मन शीतल, स्वच्छ और सहज महसूस कर रहा है। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। भीतर खामोशी में मुझे शांति के स्रोत का एहसास हो रहा है। ये शांति मुझे ऊर्जा दे रही है। अब मैं ऐसे ही हल्का और खुश रहूंगा। मेरा मन ताजगी से भरपूर है।
मेरी दृष्टि शुद्ध है। मैं जीवन सफर में बदलते हुए हर सीन का आनंद ले रहा हूं। सब कुछ ठीक है। ओम शांति ओम, आई एम अ पीसफुल सोल। ओम शांति ओम, आई एम अ पीसफुल सोल। आई थिंक सुहास भाई, इट वॉज अ वेरी एनलाइटनिंग कॉन्वर्सेशन। और मुझे फील होता है कि रोड पर केवल ड्राइविंग स्किल इम्पॉर्टेंट नहीं है, केवल लाइसेंस इम्पॉर्टेंट नहीं है, वो तो बहुत इम्पॉर्टेंट है ही, लेकिन ज़रूरी है कि हम अपनी जर्नी को इन्जॉय कर सकें। और उसके लिए ज़रूरी है कि हम काम हो, पेशेंट हो, हमारे अंदर इनर स्टेबिलिटी हो। एंड आई थिंक इट्स टाइम टू टेक आउट टाइम फॉर मेडिटेशन, क्योंकि मेडिटेशन वो ऐसी स्किल है जिससे हम बाकी सब स्किल्स को इन्जॉय कर सकते हैं, चाहे फिर वो ड्राइविंग है, कुकिंग है, वर्किंग है। सो आई थिंक इट्स टाइम दैट वी शुड लर्न मेडिटेशन एंड इनकॉर्पोरेट इट इन आवर लाइफ। जी श्रेया बहन, और ये कन्वर्सेशन मेरे लिए भी बहुत ही इंटरेस्टिंग रहा। एंड यस, आई बिलीव दैट सेफ्टी बिगिंस विथ मी। अब ऐसा नहीं है कि मुझे रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं, लेकिन मैं रूल्स फॉलो करना चाहता हूँ इसमें, क्योंकि इसमें मेरी और मेरे वर्ल्ड फैमिली की सेफ्टी है। आई वुड लाइक टू थैंक आर गेस्ट, आर स्पीकर्स एंड आर ऑडियंस, जिन्होंने इतने वंडरफुल इंसाइट्स और एक्सपीरियंसेस हमारे साथ शेयर करे। मैं यही कहना चाहूँगी दैट यू हैव अ वंडरफुल जर्नी ऑन रोड एंड इन लाइफ। और एंड में मैं यही कहना चाहूँगा कि सेफ्टी इज नॉट अ गैजेट, इट इज अ स्टेट ऑफ माइंड। जिंदगी एक सफर, रास्ते मुश्किल ही सही, हौसले घर है बुलंद, मंजिले फिर to a new way of living.